गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो ट्रेडिंग शिक्षा है आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले PSL का 20वां मुकाबला, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज लाहौर कलंदर्स के बीच में खेला जाएगा शाम 6:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी दुबई में। दोस्तों, आज PSL के दो मैचेज हैं, एक 6:30 बजे से और एक 9:30 बजे से। दूसरा जो मुकाबला है वो अभी सिक्सर में लिस्टेड नहीं है, तो अगर लिस्ट हो जाता तो मैं वीडियो जरूर से अपलोड कर दूंगा, और अगर नहीं लिस्ट होता है तो मैं टेलीग्राम पे इसके थोड़े बहुत अपडेट्स जो है दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। आपने ऑलरेडी PSL के मैचेस रेगुलर फॉलो ज़रूर किए होंगे, तो आपको जो पिच है, जो वेन्यू है, जो ग्राउंड है, उसके उसका जो रिएक्शन है, जो उसका उसका जो वर्क फ्लो है, आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से जो है पिच काम कर रही है, कैसे किसको सपोर्ट करे, किसको एडवांटेज मिल रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल मैं एक तरह से न्यूट्रल ग्राउंड बोल सकता हूँ, जहाँ पे बैट्समैन बॉलर सबको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल रहा है। कभी कभी बेनिफिट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। आप खुद देखे होंगे किसी इनिंग में बॉलर्स अच्छा चल रहे हैं और उसी के दूसरे इनिंग में बैट्समैन अच्छा चल जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप न्यूट्रल बोल सकते हो। इसके ऊपर भी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी है नहीं, हमारे डिपेंडेंसी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो हम प्लेयर बेस्ड एनालिसिस करेंगे, ओके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट में पिन किया मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बहुत सारे फायदे आपको पता है, लिस्ट अपडेट कुछ भी रहता है, न्यूज़ कम्युनिकेशन सारी चीज़ें वहाँ पर चलती रहती हैं, तो आप ज्वाइन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मैच के शुरू होने से पहले और मैच के दौरान भी, ठीक है। मैं वीडियोज़ रेगुलर तो दे नहीं सकता, मतलब मैच के 2 मिनट पहले तो वीडियो देने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए वहीं पर अपडेट्स वगैरह मिलते रहे, आप सबको पता होगा टेलीग्राम का फ़ायदा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका सुझाव, सजेशन, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी हो मेरे भाई, डाउट भी हो तो आप पूछो, आप कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और भी है कि प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ ज़रूर देखा करो, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं लिस्ट टेलीग्राम पर दे ही देता हूँ, फिर ज़रूरत क्या है वीडियो देखने की, तो फिर जानो मैं टेलीग्राम पर आपको जो लिस्ट देता हूँ उसमें प्रोबेबल प्लेयर्स भी होते हैं, लाइक जिनको कंसीडर भी करना होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको 5 प्लेयर का नाम देता हूँ तो उसमें से किसी एक या दो प्लेयर्स के ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ, बाकी सारे प्लेयर्स मैं छोड़ देता हूँ। तो आपको कैसे जानना है कि भाई इन प्लेयर के ऊपर ट्रेड करना है कि नहीं करना है, क्या आप बस ऐसे देखना है कि इन सब किस सिचुएशन में बाय करना है, किस सिचुएशन में नहीं बाय करना है, कब अवॉइड करना है, कब ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें आप कैसे जानोगे। लिस्ट देख कर, नाम देख के तो जान नहीं पाओगे, केवल नाम देख के कि भाई हाँ ये नाम लिखा हुआ तो मतलब ट्रेड करना है, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए वीडियोस देखोगे तो पीछे का लॉजिक समझ पाओगे कि कभी ट्रेड करना है, कभी नहीं ट्रेड करना है, समझ रहे हो। इसीलिए रिक्वेस्ट है वीडियोस देखा करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो सिक्सर ऐप पे हैं, तो ताकि उनको भी थोड़ा बहुत लॉजिकल वीडियोस मिले और कैसे ट्रेड करना है उनको भी पता चल सके, ठीक है। तो ये सब तो अच्छी बात है, आप देखना वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर की, तो दोनों टीमें काफ़ी मजबूत है, दोनों ने अपना आखिरी मुकाबला जीता हुआ है और इस्लामाबाद ने अच्छे तरीके से जीता हुआ 10 विकेट से। तो बात करते हैं, अब देखो किन प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करना है, किन के ऊपर इन्वेस्ट करना है, समझो ध्यान से। देखो आसिफ अली 25 रुपीज़, ठीक है, और काफ़ी तेज तर्रार बल्लेबाज हैं, 25 रुपये में मात्र मिल रहा है। अब इनको देख के फिर से बाई मत करने लगना, अगर आपने ऑलरेडी बाई कर लिया तो प्लीज़ इनके ऊपर आप दोबारा से ट्रेड मत करना, छोड़ दो, मत करना ट्रेड, ठीक है, ध्यान से समझो, अब ट्रेड मत करना। अगर आपने इनके ऊपर ट्रेड नहीं किया तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि 25 रुपये ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपने ऑलरेडी कर दिया तो 25 रुपये देख के दोबारा से ट्रेड मत करना, छोड़ दो, मत ट्रेड करना, आया समझ में बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो ब्रेंडन किंग, लेविस ग्रेगरी सब क्रॉस है, जफर गोहर क्रॉस, उस्मान ख्वाजा आप देख सकते हो। मैंने पिछले मैच में बोला कि ट्रेड मत करना, हालांकि इन्होंने इनकी प्राइस बढ़ी है, बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी भाई, स्लो प्रोग्रेस रहता है, स्लो इनका स्ट्राइक रेट रहता है, हालांकि आपको 5 से 10 रुपये बना के दे सकते हैं, बट आप ट्रेड कर सकते हो। देखो मैं इनको अब कंसीडर करने में हमेशा से बोला कि कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। एक तरह से ट्रस्टेबल है, ट्रस्टवर्दी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है इनके ऊपर, क्योंकि ये स्लो खेलते हैं और थोड़ा स्टीडी भी हैं, अच्छी पारियाँ खेल सकते हैं, ज़्यादातर T20s खेलते नहीं हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट एक ओपनर के हिसाब से थोड़ा तेज चाहिए, ताकि अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो पाए, समझ रहे हो। अगर एक मैच में इन्होंने 5 का प्रॉफिट दिया है, अगले मैच में परफॉर्मेंस अगर लो रहेगी तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर वापस से 5 रुपये माइनस में चले जाएंगे, तो फिर वो मिला जुला के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये दिक्कत है थोड़ा सा। अब मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखो यहाँ देखो कहाँ चले गए, देखो उस्मान ख्वाजा के साथ ही ओपन करने आए थे कॉलिन मुनरो, ठीक है, इनकी पारी ज़्यादा तेज थी इन कंपेरिजन टू उस्मान ख्वाजा, समझ रहे हो।
ये मैं बात बोल रहा हूँ कि प्लेयर्स अगर ओपन कर रहा है तो ऐसा हो कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, ठीक है। स्टीडी भी है, ठीक है, मान के चलो उस्मान ख्वाजा भी ठीक है, बट वहाँ जैसे 5 रुपये की प्रॉफिट है तो लॉस में भी अगले मैच में जा सकती है कि परफॉर्मेंस लो रहेगा, ठीक है। अब देखो लाइक मान लो कॉलिन मुनरो है, ठीक है, इन्होंने तेज तरार पारी खेली और 10 रन का प्रॉफिट दिया, सॉरी 10 रुपये का प्रॉफिट दिया। अगले मैच में इनका परफॉर्मेंस लो हुआ तो 5 रुपये 4 रुपये कट जाएंगे, ठीक है, फिर भी आपके 5 रुपये तो बनेंगे ही बनेंगे। तो एट द एंड ऑफ 4 मैच, अगर 4 मैच खत्म होते हैं तो मान के चलो आपके हाथ में कम से कम प्रॉफिट रहेगा, समझ रहे हो। और वहीं अगर मैं एक बात दिखाता हूँ उस्मान ख्वाजा की, अगर बात करूँ तो परफॉर्मेंस अगर चौथे मैच में लो हो जाती है तो थोड़ा सा, जहाँ मैं देखो चीज़ें एकदम एग्जैक्ट ऐसे होंगी ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मैं स्टैट और थोड़ा डेटा और एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला उसके हिसाब से बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ऐसा मत बोलने लगना बाद में कि आपने बोला उस्मान ख्वाजा तो अच्छा चल गया, 10 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, आपने बोला मत बाय करो मत बाय करो और मेरा तो लॉस हो गया, तो ऐसा मत बोलना मेरे भाई। ऐसा पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, एनालिसिस है, डेटा है कि ऐसा हो सकता है कि अब 4th मैच में जाओगे और वहाँ उस्मान ख्वाजा नहीं चले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप लॉस में आपको सेल करना पड़ेगा या फिर एक मैच दोबारा से वेट करना पड़ेगा। तो आप 5 से 6 मैचेस पैसे फंसा के रखोगे और आपको मिले 2 से 4 रुपये पर ट्रेड, तो डेट्स वेस्ट। ओके, हमको ट्रेड ऐसे करना है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। आ देखते जाओ आप, तो उस्मान ख्वाजा आप कंसीडर कर सकते हो, वो पैसा वैसा बचता है तो इनके ऊपर ट्रेड कर लेना, अदरवाइज लीव हिम। और किसी प्लेयर के ऊपर आप इधर देखो तो किसी के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, लाइक फवाद अहमद, रिस टॉपली, क्रिस जॉर्डन, इन सबको छोड़ते जाना है। अब देखो डेविड मलान भी नहीं खेलेंगे, शादाब खान 51 में मेरे ख्याल से मैच के दौरान 50-45 के अगर आसपास मिलते हैं, 45-46 के अराउंड अगर मिलते हैं तो ज़रूर से ट्रेड कर लेना। बॉलिंग 4 ओवर कराएंगे ही कराएंगे और बैटिंग भी ऊपर करने आएंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। आप ऐसा मत सोचो कि प्लेयर उतना हार्ड नहीं है, उतना तेज तर्रार प्लेयर नहीं है तो फ़ायदा नहीं देगा। इनका ऑल टाइम हाई अगर मैं बताऊँ तो 80 के आसपास है, तो सोचो अगर जो प्लेयर 80 के आसपास का प्राइस दे सकता है वो तो जाहिर सी बात है दे सकता है ना, कभी ना कभी, कभी ना कभी उस मकाम तक तो जरूर पहुंच सकता है। जो माउंट एवरेस्ट पे एक बार चढ़ गया होगा क्या वो दोबारा नहीं चढ़ पाएगा, चढ़ सकता है, समझ रहे हो। तो जो 80 का बना चुका है वो कभी भी बना सकता है 80 का, लेकिन देखो यही है कि बैटिंग इनको रेगुलर मिल जा रही है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि देखो मैं जेन्युइन बात बताऊं तो बैटिंग से इनसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, बैटिंग से 20 से 25 रन रख सकते हो, मिनिमम 20-25 रन बना सकते हैं किसी अच्छे दिन पे, और बॉलिंग से 2 से 3 विकेट्स निकाल सकते हैं। वहाँ आपको मान के चलो 4th डे में जब इनका 4th मैच रहेगा और उन्होंने ऐसा प्रदर्शन कर दिया कि 20-30 रन बना दिया तेजी से और 2 से 3 विकेट्स भी निकाल लिए क्योंकि कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस दिन आपका 10 रुपये प्राइस बढ़ेगा, फिर आप उसको फटाक से सेल करना, 10 रुपये आपके हाथ में, सिंपल। ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। एलेक्सियल क्रॉस, फिलिसाल क्रॉस, फही मशरफ, देखो मैंने पहले मैच में बोला कि इनको बाई कर लेना, मुझे भी प्रॉफिट हुआ था, आप सबको भी हुआ होगा जाहिर सी बात है, उसके बाद इनको मौका नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, मौका ना भी मिले तो भी आप प्रॉफिट में हो, अगर मिले तो भी प्रॉफिट में हो, नो डाउट। अगर आपने अभी तक ट्रेड नहीं किया तो आप अगर खेलते हैं तो छोड़ देना, ट्रेड मत करना, ठीक है, मत करना ट्रेड फही मशरफ के ऊपर अब, ओके। अगर कर लिया ऑलरेडी ट्रेड तो ठीक है, आप प्रॉफिट में रहोगे, लिख के लो, ठीक है। कॉलिन मुनरो अगर ट्रेड नहीं किया तो मत करना, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड नहीं किया इनको पिछले मैच में, अगर बाई नहीं किया तो अब करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तुरंत बाई करोगे लॉस में जाओगे, ठीक है, लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से 8 या 10 रुपये प्रॉफिट दे चुके हैं। आप सोचो आप 10 रुपये महंगे किसी सामान को क्यों बाई करोगे भाई, जब ये 40-45 रुपये में बिक रहे थे तो आपने उनको बाई ही नहीं किया, और अभी ये 60-70 रुपये, सॉरी 50-60 रुपये में बिक रहे हैं तो आपने इनको बाई करने लगे, तो दैट्स डिफरेंट थिंग, आपको बाई नहीं करना है, सिंपल समझो। फटाफट एक बार से देखो इधर से इंपॉर्टेंट कौन है, शादाब खान, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक कंसिडरेशन पूछोगे तो उस्मान ख्वाजा, दैट्स इट, 2 प्लेयर्स फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओके, अभी मैं लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट इस्लामाबाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए शादाब खान है और बाकी उस्मान ख्वाजा को आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस्लामाबाद के साइड का आपका एनालिसिस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो डाउट हो तो पूछो कमेंट में, ठीक है। चलो लाहौर की साइड से मैं बात करता हूँ, देखो शुरू का कैलम फर्गुसन क्रॉस, जो बर्न क्रॉस, जो डेनली क्रॉस, सुहेल अख्तर, देखो कैप्टन है, ओपन भी कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर भी हैं, इनके ऊपर जरूर से ट्रेड करो, 41 इज़ अ गुड प्राइस, 41 रुपये मैच के दौरान 40-39-38 भी हो सकते हैं, 38 तक जा सकते हैं, वहाँ इनको बाई करोगे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, 5 से 6 रुपये लिखो, 4 मैच के बाद आपको मिलना ही मिलना है 5 से 6 रुपये पर ट्रेड, ठीक है।
अब ये मत बोलना कि मैं 6 बात गया यार 5 से 6 रुपया नहीं मिला, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। मेरा जहाँ तक एनालिसिस है कि 5 से 6 रुपया मिनिमम आप कमा सकते हो सोहेल अख्तर से, ठीक है। डेविड वीज काट दो, बेन डंक देखो, बेन डंक 46 में है, अच्छा परफॉर्मेंस लगातार दे रहे हैं और स्पिनर्स को तो भैया बड़ा पीट रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और जिस प्रकार से मैंने देखा स्पिनर्स को मारते हुए काफ़ी लंबे छक्के लगा रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट में, और पाकिस्तान के बॉलर्स की वही एक तरह से बोल सकते हो कि मजबूती है कि स्पिनर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी बेन डंक ने को अगर आपने बाई नहीं किया ऑलरेडी तो मत बाई करना, मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इनके साथ भी वही दिक्कत है कि किसी में अच्छा रन बनाएंगे और किसी में ख़राब, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर आपने इनको लो सिचुएशन में बाई नहीं किया होगा लो प्राइस पे, तो फिर हाई प्राइस पे बाई करने का कोई मतलब नहीं, उस पैसे को बचा के रखो, कहीं और इन्वेस्ट करो। और बैटिंग भी नीचे करने आते हैं तो कभी चांसेस मिलते हैं कभी नहीं मिल सकते, जाहिर सी बात है। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, फखर जमा, ठीक है। मैच के दौरान अगर 45 तक हो जाते हैं भैया इनको छोड़ना मत, मत छोड़ना इनको, 45 में इनको बाई करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक, ओके। मेरे लिए आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, बट फॉर मी मैंने जहाँ तक फखर जमा को फॉलो किया है, जहाँ तक मैंने क्रिकेट देखा है, अब देखो इस बंदे का 45 पे प्राइस पहुँचा है, अभी 70 तक जाना है, ठीक है। जहाँ तक मैंने फॉलो किया, मैंने हमेशा देखा है कि जब भी इनकी इनका ग्राफ काफ़ी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल मुझे शिखर धवन का लगता है, फखर जमान का लगता है, रोहित शर्मा का लगता है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं आंद्रे रसल का लगता है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी वोलेटाइल हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं। भाई देखो फखर जमा कंटिन्यूस लो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 48 में है तो 45 तक आ जा ही जाएंगे, और 2 से 3 मैच आप वेट करो, देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको 10 से 20 रुपये ज़रूर से ला के देंगे, ठीक है। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है डेटा कहता है, ठीक है, समझ रहे हो। मोहम्मद हफीज़ 49, भैया इनको भी मत छोड़ो, ले ही लो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों, और PSL में तो भैया इनका बल्ला ज़्यादा ही चलता है, बैटिंग चांसेस पूरे मिलते हैं और काफ़ी तेज़ गति से रन बनाने में सक्षम है। आपको पता होगा शायद 2020 में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बल्ले से, ठीक है। T20s में काफ़ी रन बनाए थे 2020 में, तो आप समझ सकते हो ये दोनों के दोनों एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, बाय करना मस्ट पिक, ओके। तो अब मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया बैठा कि दोस्तों अब हम ट्रेड करेंगे ट्रस्ट वर्दी प्लेयर्स के ऊपर, ठीक है, जहां हमको ट्रस्ट बिल्ड होता है, जहां हमारे अंदर किसी प्लेयर को लेकर ट्रस्ट डेवलप होता है, विराट कोहली पर डेवलप हो जाएगा, रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल, इनके ऊपर हमारा ट्रस्ट डेवलप होता है तो हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही प्लेयर्स के ऊपर अब हमको ट्रेड करना है, सेफ जाना है, क्योंकि देखो मैं एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ, आप वीडियो बोरिंग सोच के छोड़ दोगे तो सच में आपका लॉस ही लॉस होगा, ध्यान से देखो और समझो, काफ़ी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस ट्रेडिंग में और आपको समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है, डिफरेंस ये है दोस्तों कि अगर आप ट्रस्टवर्दी प्लेयर को बाय करते हो और एक अनट्रस्टवर्दी प्लेयर को बाय करते हो तो क्या दिक्कत होता है। मान के चलो आपने बाय कर लिया कुछ हाई क्वालिटी प्लेयर्स को, लाइक विराट कोहली है, फखर जमा है, या फिर बाबर आजम है, सरफराज अहमद, मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनकी प्राइस हाई रहती है बट परफॉर्मेंस भी हमेशा स्टैंडर्ड का रहता है, ठीक है। आपने इधर बाई कर लिया, वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इनकी प्राइस हाई है तो इनके जो स्टॉक्स हैं आप कम बाई कर रहे हो, समझो ध्यान से समझो कि मान के चलो 5-5 स्टॉक आपने बाई किए क्योंकि प्राइस ज़्यादा है इन सारे प्लेयर्स के, तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपने एक साइड में क्या किया, जो 20-25 रुपये के प्लेयर हैं उनके स्टॉक्स को खूब ज़्यादा भर लिया, समझ रहे हो। अभी ये ग्राफ से समझो कि ये इनका जो अमाउंट है ज़्यादा, मान के चलो 1,000 रुपये आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, ध्यान से समझो, और 500 रुपये इधर इन्वेस्ट कर लिया क्योंकि आपके पास इधर लगाने को ज़्यादा पैसे नहीं है क्योंकि प्राइसेज हाई हैं, ठीक है। अब सिंपल सा जाहिर सी बात है, 500 रुपये में जहाँ आप 10 स्टॉक बाई करोगे या 1,000 में आप 50 स्टॉक बाई कर लोगे, तो आप क्या चाहोगे बाई करना, इधर ही बाई करना चाहोगे। अब क्या होता है कि जो हमारे ये अच्छे प्लेयर्स हैं वो आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, चाहे 5 रुपये का दें चाहे 10 रुपये का दें, ठीक है। और ये लो प्लेयर्स में से देखो इनकी कोई गारंटी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, तो हमेशा चीज़ें बराबर नहीं चलेंगी इनकी। मैं ऐसा नहीं बोलूँ प्रॉफिट नहीं देंगे, इसमें हो सकता है इस 50 स्टॉक्स में से कोई अच्छा प्रॉफिट दे दे, कोई बहुत बुरा लॉस दे दे, तो ये होता है मिला जुला के यहाँ पे आप लॉस में आ जाते हो, ठीक है। अब इधर आप प्रॉफिट में हो, थोड़े से प्रॉफिट में हो क्योंकि अपने स्टॉक तो थोड़े बाय किए थे अच्छे प्लेयर्स के, अब ये जो थोड़ा प्रॉफिट है ये इस लॉस से हार जाएगा और यहाँ पे लॉस जीत जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आर्ट बना दिया मैंने, तो लॉस जीत जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट जो प्रॉफिट होगा होगा लॉस का, समझ गए बात। इसीलिए बोलते वीडियोस देखो यार, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आया समझ में।
तो इसीलिए हमको अब ट्रस्टवर्दी प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करना है, ताकि अगर मेरा पैसा लॉस में जाता भी है तो आपको इतना गारंटी रहे कि आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट में जरूर जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? आप जैसे देखो एग्जांपल, आपने हैदर अली को बाई किया, लगातार 2 मैचों में 0-0 की पारी खेल चुके हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं बोला कि किसी दिन वो रन नहीं बनाएंगे मेरे भाई, लेकिन अगर वो 30 रुपये से घट के 20 रुपये पे आ जाएं और किसी दिन उन्होंने अच्छी पारी खेली और वापस से 30 रुपये पे आ जाएं, तो भाई आप 4-5 मैचेस में पैसा फंसा के क्या पा रहे हो? नथिंग। 30 में बाई करके 30 में बेच रहे हो, मतलब क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं ना, ये बात बोल रहा हूँ। चांसेस कम होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होगा, बस चांसेस कम होते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क जहाँ होता है वहाँ पे पैसा भी बहुत बनता है। अभी मान के चलो आपने 30 में बाई किया होता हैदर अली को और कल वो 50 पे आज हो गए होते तो आपको फ़ायदा होता, तो समझ रहे हो, बहुत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन रिस्क है भी ना, रिस्क ये है कि नहीं भी चल सकते, चल भी सकते हैं, यह दिक्कत है। और अच्छे प्लेयर्स का ये है कि चलना ही चलना है, आज नहीं तो कल चलेंगे चलेंगे, तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझो फिर ट्रेड करो। ओके, तो हम थोड़े ट्रस्टवर्दी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो ना हो, कम से कम लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। मुझे 10% भी प्रॉफिट चलेगा और ये 10% 30% भी बन जाएगा अगर कंटिन्यूअस प्रॉफिट रहेगा तो। लेकिन अगर इसके बीच में कहीं लॉस घुसेगा तो आपका जो 20% का प्रॉफिट है वो 0% हो जाएगा, गारंटी है, लिख के ले लो। तो लॉस, हमको लॉस से बचना है, प्रॉफिट मैक्सिमम कराना है कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं सब प्रॉफिट में रहें। उसमें से कोई भी लॉस में जाएगा तो काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान रखो, ठीक है? चलो ये सब फिर बताऊँगा मैं बाद में। तो फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ के ऊपर आपको ज़रूर से ट्रेड करना ही करना है, ठीक है? और मैं बताऊँ, इधर सारे प्लेयर्स देखो क्रॉस है मेरे लिए, कि इन सब प्लेयर्स खेलेंगे भी नहीं। देखो जेम्स फॉकनर मैंने कभी नहीं बोला ट्रेड करने के, ऑलरेडी ये 51 या 52 में चल रहे थे जब मैंने इनका, जब दूसरा सेशन शुरू हुआ था, तो अभी 60 में, तो ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं। राशिद अली सॉरी राशिद खान के ऊपर भी ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल ध्यान से देखो, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ इंपॉर्टेंट पिक्स, ठीक है? ध्यान से देखो, सोहेल अख्तर कंसीडर कर सकते हो और कुछ ना हद तक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, कैप्टन है और ओपन भी करते हैं, तो सारे फैक्टर्स इनके ऊपर इन्वॉल्व है कि आप इनके ऊपर ट्रेड जरूर से करो, ठीक है? आगे देखो, बेन डंग कंसीडर कर सकते हो, फ़खर जमान मोहम्मद हफीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप देख सकते हो कि किसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर बेसिकली आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, आप इन दो प्लेयर्स में से किसी एक के ऊपर ट्रेड जरूर करो, दोनों को अगर नहीं ले सकते तो किसी एक के ऊपर जरूर से ट्रेड करो। तो मैंने इधर से बता दिया आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बाकी किसी के ऊपर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद के साइड से देख लो एक बार से वापस से, शादाब खान इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या कंसीडर भी कर सकते हो, मेरे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर ट्रेड कर लिया जब इनकी प्राइस थोड़ी 52 के अराउंड में थी, अभी 51 हो चुके हैं शायद से, तो आप अभी ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ देना, प्राइस ज़्यादा लगता है। तो फहीम अशरफ के ऊपर भी नहीं करने की ज़रूरत है। अरे यार, और कोई तो दिख नहीं रहा मुझे, तो आप एक प्लेयर और कंसीडर कर सकते हो, उस्मान ख्वाजा के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है? हालांकि मैं बताऊँ, उस्मान ख्वाजा का जो लिमिट था वो 50-55 के आसपास है, इस बाउंड्री को उन्होंने अभी तक लास्ट 28 मैच में क्रॉस नहीं किया, इसी की वजह से मैं थोड़ा सा जो ये वॉलीटिलिटी का मार्जिन है उसको थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कम है, इसीलिए मैं इनके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ। काफ़ी मुझे वॉलेटाइल प्लेयर्स चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करो यार, लाइक जो है मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं आप सबके लिए दोबारा से और नया नया अच्छा तरीके से वीडियो बनाऊँ, कुछ नया इन्फॉर्मेशन जरूर से दूँ। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ लाइक किया करो यार, शेयर भी कर सकते हो, जो दोस्त मित्र आपके सिक्सर ऐप पे हैं ट्रेड करते हैं उनको नहीं पता चैनल के बारे में, तो शेयर करोगे तो हम लोग की जो रीच है वो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों तक हम पहुँचेंगे, और आपकी बदौलत हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता। यूट्यूब पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मुझे यूट्यूब पे भरोसा नहीं, आप सब पे तो है, एटलीस्ट आप लोग जितने भी हो शेयर करोगे तो हमारी रीच ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है? अगर देखो ऐसे कंटेंट पहले देखना चाहते हो, प्रॉफिट हो जिससे आपका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है? और अगर आप तो अभी तक सिक्सर ऐप पे नहीं हो और खाली ट्रेडिंग के वीडियोस देख रहे हो और सोच रहे हो कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट हो जाएगा भाई, तो थोड़ा सा रिस्क उठाओ, सिक्सर ऐप पे जाओ, डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और वहीं पे आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा, तो आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो एक फ्री स्टॉक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आइडिया भी ले सकते हो और ट्रेड करना शुरू करो। थोड़े से शुरू करो, 100 रुपये से शुरू करो, 200 से शुरू करो, एक्सपीरियंस लो, फिर कमाई शुरू करो। ओके, मैं चाहता हूँ आप सब फाइनेंशियली एक्टिव रहो, और कोई बात नहीं है। प्रॉफिट हो तो ज़रूर से शेयर करो इंस्टाग्राम पे, लॉस हो तो भी शेयर करो, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है, कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है? तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।